चो, welcome to the another video guys. Depreciation की सीरीज चालू है under the head of yes, normal depreciation हम लोगों ने खत्म कर दिया था और अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर बेटा, के, additional depreciation के याद दिला दोन बी एसी बी ए बी ए बी बी ए डी बी ए तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता नहीं हाँ डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलने वाला नहीं है अभी जो एडिशनल नाम का है ये कभी भी हम लोगों ने कहा पढ़ा है एफआर के अंदर में अकाउंट्स के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा है हमने जब भी इसको पढ़ा होगा ये हमेशा डायरेक्ट एक्सेस के अंदर ही पढ़ा होगा अब जब भी आपको सेक्शन थर्टी टू कहा जाता है आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन क्या करना होता है निकालना होता है राइट right? तो यहाँ पे डेप्रीसिएशन का स्पेलिंग जो होना चाहिए उन्होंने थोड़ा सा पी के जगह ओ कर दिया है वो आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा

तो आपको क्या एक्वायर करना है न्यू प्लांट एंड मशीनरी हालांकि कुछ एक्सेप्शन आपको प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और अगर ये टू थाउजेंड एंड लेट से फाइव के बाद होता है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन ट्वेंटी परसेंट का मिलता है कितना परसेंट का मिलता है ट्वेंटी परसेंट का मिलता है यहां पे भी एक बात समझने लायक है एडिशनल डिप्रिसिएशन इज अवेलेबल ओनली इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन मतलब ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन मिलता है आपको हर बार मिलता नहीं है एडिशनल पार्ट ऑफ ड्रीसिएशन ध्यान से सुनिएगा एडिशनल एप्रीसिएज पार्ट ऑफ ड्रीसिएशन इसीलिए जो भी एडिशनल एप्रिसिएशन है ये डब्बलूडीवी में से रिड्यूस होगा जो भी एडिशनल एप्रीसिएशन है ये कायम से रिड्यूस होगा बेटा डब्ल्यूडीवी में से रिड्यूस किया जाएगा अच्छा सर एडिशनल डेप्रिसिएशन इज अवेलेबल अडिशनल डिप्रीसिएशन इज अवेलेबल ओनली इफ हम लोग क्या कर रहे हैं डब्ल्यू डीवी मेथड फॉलो कर रहे हैं ओनली इफ हम लोग क्या कर रहे हैं डब्ल्यू डीवी मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा पहला एस मस्ट बी एंगेज इन टू मैन्युफैक्चरिंग पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सीबीडी टी के सर्कुलर के हिसाब से प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन वालों को भी एडिशनल डिप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल किया गया है क्या एक्वायर करना है सर न्यू प्लांट एंड मशीनरी वो भी कब एक्वायर करना है टू थाउजेंड एंड फाइव के बाद आपको एक्वायर करना है

ऑफिस के अंदर में नहीं लगाना है देखिए लोगों ने सबसे पहले यही किया था जब इस सेक्शन को लेकर के आए थे तो लोग क्या करते थे कंप्यूटर खरीद लेते थे राइट ऑफिस गैजेट्स खरीद लेते थे सो ऑन एंड सो फोर्थ तब जाकर के लोगों को क्लियर कट बोलना पड़ा आप इससे ऑफिस अप्लायसेज नहीं ले सकते आप रोड ट्रांसपोर्ट एजेंसी मतलब वहीकल्स नहीं ले सकते क्योंकि वो भी प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में आता है आप शिप एंड एयरक्राफ्ट नहीं ले सकते इसके अंदर में

ट्रांसमिशन सी बी डी टी कहता है इंगेज इन प्रिंटिंग और पब्लिकेशन पॉइंट एक्वायर न्यू प्लांट एन मशीनरी न्यू प्लांट एन मशीनरी डज नॉट इंक्लूड ए सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी बी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस और गेस्ट हाउस सी प्लांट एंड मशीनरी बींग रोड ट्रांसपोर्ट वहीकल डी शिप और एयरक्राफ्ट ईज होल कॉस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन Whose whole cost is allowed as deduction? Acquire assets after thirty one March two thousand and five. Fourth additional depreciation. Is equal to 20% of the actual cost if used for more than 180 days, 10% of actual cost if used for less than 180 days, and balance 10% in Subsequent year balance ten percent in subsequent year. सर चलो ये बन गए क्या सर आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखना नॉट अवेलेबल इफ ऑप्टेड फॉर 115 एंड फिफ्टीन बी एसी बी ए ए बी ए बी बी ए डी बी ए मस्त इसको हाईलाइट करके रख देना इन सेक्शंस को ऑप्ट करते हुए आपको एडिशनल डिप्रीसिएशन मिलने वाला नहीं है तो इन सेक्शंस को ऑप्ट करते हुए आपको एडिशनल डिप्रीसिएशन मिलने वाला नहीं है डन है सर चलो दैट वॉज एडिशनल एप्रिसिएशन फॉर यू अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं इस चीज के ऊपर बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको क्या कर लें सॉल्व कर लें ओके okay. यह उस कंसेप्ट चलो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर फोर देख लेते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर देख लेते हैं यहां पे हमारा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन कवर्ड है लेट एस फर्स्ट गो टू इट ऑनेस्ट इंडस्ट्री फर्नीचर्स यू द डिटेल डिटेलिंग टू द फाइनेंशियल ईयर तीन चीजें दी है प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर डेप्रिसिएशन के रेट उन्होंने मेंशन की है ओपनिंग डब्ल्यू डीवी एक्वायर्ड बिफोर एक्वायर्ड आफ्टर डिटेल्स दी हुई है और कुछ असेट्स तो उन्होंने ट्रांसफर भी किए हैं मशीनरी विच वॉज एक्वायर्ड इन जुलाई वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड एस एस सी रिसीव कंपनसेशन ऑफ पॉइंट फाइव लैख फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग गिवन अबाउ इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ लैंड थ्री लैख कैलकुलेट द डेप्रीसीन क्लियर कट लिख के दिया है इग्नोर एडिशनल डेप्रीसी ठीक है सर प्रॉब्लम नंबर फोर ऑनेस्ट इंडस्ट्री असेसमेंट इयरपुटअप कर दो कंप्यूटेशन ऑफ रिसिएशन ठीक है पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस रुपीस, एक को कर दो प्लांट एंड मशीनरी दूसरे को कर दो बिल्डिंग और तीसरे को कर दो पेटेंट सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यू डीवी आना चाहिए ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है चेक करो फोर्टीन पॉइंट फाइव ट्वेंटी फाइव और फिफ्टीन बराबर इसमें ऐड हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट इसमें क्या ऐड हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट ऐड हो जाएगा अब देखो कितना एक्वायर किया आपने सोलह लाख रुपए का एक्विजिशन हुआ है बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं ट्वेंटी फाइव लाख था नया एक्विजिशन कितना हुआ है एटीन लाख रुपीज का हुआ है लेकिन न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग में वैल्यू ऑफ लैंड भी है थ्री लाख रुपीज तो मैं जो वैल्यू एक्वायर करूंगा वो एटीन लाख लूंगा या फिफ्टीन लाख लूंगा फिफ्टीन लाख लूंगा बिकॉज लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता तो मैं इसकी वैल्यू कितनी कंसिडर करूंगा फिफ्टीन लाख कंसिडर करूंगा बराबर है ना फिर मशीन यहाँ पे 5. ओके पेटेंट पंद्रह तो था ही पांच एक्विजिशन किया है और ये लीजिए सर ये हो गया आपका टोटल एक्विजिशन अब आते हैं सेल डिस्कार्डेड डिमोलिश ड्यूरिंग द ईयर प्लांट एंड मशीनरी में दिख रहा है मशीनरी एक्वायर्ड इन जुलाई वन पॉइंट फाइव लैख की हमने इसे डिस्ट्रॉय हो गई थी तो कंपनसेशन कितना मिला मिला बेटा लाख मतलब हुआ रुपीस का क्या मिला आपको कंपनसेशन मिला अब आपको अगर याद आ हो रहा होगा तो जो इंश्योरेंस कंपनसेशन मिलता है इसे सेल माना जाता है फर्दर जितना एक्चुअल वैल्यू सेल का मिला है उतना ही माइनस किया जाता है तो याद होगा सीआईटी ओर्सेस केबल कॉर्पोरेशन हम लोगों ने पढ़ा था उस चीज पे बेस्ड है पचास हजार इधर से माइनस कर दिया हम लोगों ने बिल्डिंग के अंदर में फर्दर कोई एडजस्टमेंट नहीं जो एडजस्टमेंट थी हमने कर दिया पेटेंट का कितना सेल हुआ है थ्री लाख रुपीज़ सेल हुआ है ठीक है पेटेंट में से क्या हुआ है सर थ्री लाख रुपीज का सेल हुआ है तो ये आ गया आपका क्लोजिंग डब्ल्यू ये वी आ गया आपका क्लोजिंग डब्लू चेक करो आ गया सर थर्टी लाख रुपीस ये आ गया सर फोर्टी लाख रुपीस ये आ गया सर सेवेंटीन लाख रुपीस चेक कर लो क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी पर आप क्या लोगे सर एप्रिसिएशन लोगे

तो आप सबसे पहले 14 लाख प्लस 12 लाख 26 सिक्स लैख के ऊपर कुल 15 परसेंट मारना चाहोगे बात समझना बड़े प्यार से 14 लाख प्लस 12 लाख जो एक सस्ते दिन से ज्यादा यूज हुआ उसके ऊपर आप ये लोगे बचे हुए फोर लाख पे आप सेवन पॉइंट फाइव परसेंट लोगे बात समझ लेना यस हमने क्या किया ये जो आपने क्या किया है असेट सेल किया है इसको हमने क्लोजिंग से सेल माना सबसे पहले तो इसको हमने क्या किया क्लोजिंग से सेल माना दैट हैज मेक सेंस यस दूसरी चीज हम लोगों ने क्या करी है जो असेट एक दिन से ज्यादा यूज किया है इसके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन क्लेम किया है तो ट्वेंटी सिक्स ,00 का फिफ्टीन परसेंट आया थ्री देखो जरा यह आया थ्री लैख थाउजेंड और फोर लैख का सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ये आया थर्टी थाउजेंड सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना राइट right? कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के रखना पॉसिबल हुआ तो जरूर आपको रिप्लाई करूंगा यस yes? नहीं तो आस्क वीजे सर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भी आप भेज सकते हो अब आते हैं बिल्डिंग के ऊपर सोच करके देखिए बिल्डिंग ट्वेंटी फाइव लाख रुपीज की थी इस पे तो टेन परसेंट आएगा ही आएगा ये जो आपने एक्वायर किया ये दिसंबर में एक्वार किया मतलब इस पे हाफ डिप्रिसिएशन आना चाहिए बराबर है ना सो so, ट्वेंटी फाइव पे पूरा टेन परसेंट एंड फिफ्टीन लाख पे सेवन पॉइंट सॉरी फाइव परसेंट ये आ गया आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड चेक कर लो अब आता है आपका पेटेंट पेटेंट के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो पूरे सेवेंटीन लैक्स के ऊपर ट्वेंटी फाइव परसेंट आएगा बिकॉज अ सेट यूज फॉर मोर देन वन एटी डेज प्रॉब्लम हमसे क्लियर कट बोल चुका है वी हैव टू इग्नोर एडिशनल डेप्रीसी जब प्रॉब्लम खुद होकर के इतना कह रहा है कि इग्नोर करो तो हम क्या होते हैं करने वाले तो यहाँ पे देयर फॉर टोटल डेप्रीसी इतना आना चाहिए बताइए प्लस टू फिफ्टी प्लस सेवेंटी फाइव प्लस थ्री नाइनटी प्लस थर्टी थाउजेंड टोटल डेप्रीशन आ रहा है इलेवन लैक् सेवेंटी थाउजेंड कर लो हर एक कैलकुलेशन हमने डिटेल में दिया हर एक कैलकुलेशन की पूरी बात की गई है हर एक कैलकुलेशन को पूरी इज्जत दी गई है चलो जी तो ये है डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होगा जब तक कि आप इस पे क्या नहीं डालोगे नोट्स नहीं डालोगे आपको सबसे पहले यहां नोट्स डालना पड़ेगा एसेट्स यूज फॉर लेस देन वन एटी डेज ओनली हाफ ऑफ डेशन इज अलाउड आप में से बहुतों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है आए जिनका आर्टिकल शिप डमी हुआ होगा या जिन्होंने डीटी में काम ही नहीं किया होगा एक सवाल आ सकता है सर जो एसेट सेल हुए हैं, आपने अप टू द डेट ऑफ सेल का डेप्रीसिएशन लेना चाहिए ना आप सभी को मैं याद दिला दू डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर ऑफ सेल इज नॉट अवेलेबल डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर ऑफ सेल ज नॉट अवेलेबल नो डेप्रीसिएशन ऑन लैंड इज अवेलेबल नो डेप्रीसिएशन ऑन लैंड इज अवेलेबल लिख लो जल्दी से तीनों नोट डेना चलो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर फोर फॉर यू जिसमें डेप्रिसिएशन के मेजर कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्या किए कवर किए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन का राइट right? देखिए जब तक के ना आपके कुछ कंसेप्ट नहीं हो जाए ना मेरे लिए सच में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपके प्रॉब्लम भी ले लू और फास्ट्रैक में मैं चाह रहा कि आपके प्रॉब्लम भी लू मेरे बात समझना पूरी की पूरी कोशिश ये बनी हुई है कि यार मैं आप लोग के किस भी ले लू क्वेश्चन भी ले लू जितने बने एटलीस्ट उतने ले लू कोई प्रॉब्लम नहीं है यस yes? और मेरा कमिटमेंट भी आप सभी के साथ यही है यस yes? तो डॉलर लिमिटेड जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है फर्निश करता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ओपनिंग डब्ल्यू डीवी उन्होंने दी हुई है कुछ परचेसेस दिए हैं जो बिफोर फर्स्ट अक्टूबर किए हुए हैं फिर सेल प्रोसीड्स दिया है ऑप्सोलिट एंड मशीनरी का ये मशीनरी 2021 में परचेज की गई थी फॉर फाइव लाख फर्दर आउट ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000 की जो है ये ऑफिस में इंस्टॉल की हुई है और 20,000 थाउजेंड है ये प्रीवियसली यूज है प्रीवियसली यूज है मतलब क्या है सर वो सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है बराबर कंप्यूट शन एंड एडिशनल डेप्रीसिएशन आप प्रॉब्लम यहाँ पे हमसे क्लियर कट बोल रहा है कि आप डेप्रिसिएशन में निकालिए और हमारे लिए आप एडिशनल डेप्रिसिएशन में निकालिए ठीक है सर तो आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर फाइव प्रॉब्लम नंबर फोर ऑफ फाइव दैट्स प्रॉब्लम नंबर थ्री नॉट इवन फोर ऑफ फाइव दैट्स प्रॉब्लम नंबर थ्री टॉलर लिमिटेड असेसमेंट इंप्यूटेशन ऑफ एप्रिसिएशन ठीक है यहां पर आ जाता है आपका पर्टिकुलर्स यहां पर आ जाता है आपका रुपीज यहां पर आ जाता है आपका रुपीज सबसे पहले आते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे नाउ वट इज ओपनिंग डब्ल्यू डीवी गाइस ओपनिंग डब्ल्यू डीवी आ रहा है पांच तो ओपनिंग डब्ल्यू डीवी आ गया यहाँ पे फाइव लाख like, रुपीज इसमें ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड चेक करो राइट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड बताओ कितने के एसेट्स एक्वायर्ड किए गए हैं टू लाख रुपीज वर्थ के एसेट्स एक्वायर्ड किए गए हैं यस yes. तो ये हो गया टू लाख ,00 वर्थ के एसेट्स एक्वायर्ड किए लेस सेल डिस्कार ड्यूरिंग ईयर पांच हजार रुपए का सेल एक्चुअल सेल प्राइस शेल बी रिड्यूस याद आ रहा है कि आपको एक्चुअल सेल प्राइस शेल बी रिड्यूस फ्रॉम डब्ल्यू Actual sale price shall be reduced from WDV. याद आ रहा है आपको, right? तो actual sale price को हमें क्या करना है करना 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 है. Actual sale price करना है, करना है. को हमें क्या तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोजिंग डब्ल्यू क्या आ जाएगा बोल मेरे बच्चा क्लोजिंग डब्ल्यू कितना आ रहा है सिक्स लाख नाइनटी फाइव थाउजेंड आपका क्लोजिंग डब्ल्यू आएगा बराबर है ना? अब इसमें से क्या हटाएंगे सर सबसे पहले मारेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन को सबसे पहले मारेंगे नॉर्मल डेप्रिसिएशन नॉर्मल डेप्रिसिएशन कितना होने वाला है राइट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे के पूरे वैल्यू पे आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा सर नॉर्मल डिप्रिसिएशन की तो दिक्कत ही नहीं है पूरे सिक्स लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड पे नॉर्मल डिप्रिसिएशन ही आएगा सिक्स लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड इन टू फिफ्टीन परसेंट बराबर है ना ये आया आपका वन लैख फोर थाउजेंड टू फिफ्टी एवरीबॉडी वन लैख फोर थाउजेंड टू फिफ्टी अब प्रॉब्लम हमें खुद हो के इन्वाइट कर रहा है कि भैया तुम क्या कर लो एडिशनल डेप्रीसिएशन बना लो तो आपने बुलाया और हम चले आए सर कितने का बेटा टू लैख लेकिन टू लैख में से ट्वेंटी थाउजेंड जो है ये ऑफिस में है ट्वेंटी थाउजेंड जो है ये सेकेंड हैंड है बराबर है ना तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं वन लैक सिक्सटी थाउजेंड पे ट्वेंटी परसेंट थर्टी टू थाउजेंड चेक करना देख तेरे ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी जो तूने एक्वायर किया टू लाख रुपीस इसमें से सेकेंड हैंड ऑफिस में इंस्टॉल की बीस हजार की सेकेंड हैंड है और बीस हजार की क्या है ऑफिस में इंस्टॉल करी हुई है तो मेरे को एक्चुअली वन लाख थाउजेंड पे ही बराबर है ना वन कितना परसेंट बेटा दोनों को माइनस करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी बराबर ना दोनों को माइनस करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी बताओ मेरा क्लोजिंग डब्ल्यू डी कितना रहने वाला है जल्दी से बताओ मेरा क्लोजिंग डब्ल्यू डी कितना रहने वाला है क्लोजिंग डब्ल्यू मेरा कितना रहने वाला है जल्दी से बताओ हम्म सिक्स लाख नाइन्टी फाइव थाउजेंड माइनस वन जीरो फोर टू फाइव जीरो माइनस थर्टी टू थाउजेंड याद होगा तो एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो रिड्यूज वाइल कैल्क्यूलेटिंग क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी विषय समाप्त चेक करो विषय संप्ला गाइस ये हो गया आपके लिए क्या बेटा क्लोजिंग डब्लू डीवी ये हो गया आपके लिए क्या बेटा क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी तो वी हैव कंप्लीटेड दी अनादर क्वेश्चन क्वेश्चन के नीचे आपको क्या आनी चाहिए नोट आनी चाहिए राइट डाउन नोट पहली नोट आनी चाहिए इफ द एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर यूज फॉर लेस देन वन एट्टी डेज ओनली हाफ ऑफ नॉर्मल एप्रीसिएशन इज अलाउड ये मैंने ऐसे ही लिखा है इन जनरल इस तरह से आप लिख सकते हो खैर यहां पर तो फुल है नो एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स बींग हैंड एसेट्स installed in office assets installed in office ठीक है सर चल बढ़ेंगे आगे तो ये था एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन पे एक क्वेश्चन था एडिशनल डेप्रिसिएशन पे ठीक है ये एक और क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन के ऊपर दिया हुआ आज आप इसको करेंगे होमवर्क के अंदर में आज आप इसको करेंगे होमवर्क के अंदर में अगले वीडियो के अंदर में हम इसको क्या कर लेंगे कवर कर लेंगे ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन डन एडिशनल डेप्रिसिएशन के ऊपर क्वेश्चन डन नेक्स्ट पॉइंट आता है डेप्रीसिएशन केस ऑफ अमलगमेशन डी मर्जर वापस से ऊपर आइए यहां इन केस ऑफ अमलगमेशन एंड डी मर्जर चेक करो फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट टू सॉल्व डेप्रिसिएशन के नीचे लिखा है

फिर स्टेप नंबर टू डिवाइड द टोटल डेप्रीसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ अट इज टू और नंबर ऑफ डेज असेट इज यूज डिवाइड कर देंगे सर स्टेप नंबर वन आपका बोलता है कैलकुलेट द टोटल डेप्रीसिएशन एज इफ नो हैज टेकन प्लेस अज्यूम कर लो कि अमल गमेशन कभी हुआ ही नहीं है आपको क्या करना है डेशन कैलकुलेट करना है बाद में डिवाइड करना है इनको नंबर ऑफ डेज असेट इज यूज्ड इन द ईच एंटिटी, जितने भी एसेट ओल्ड असेट्स होंगे उनको फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर से काउंट करना है उनको फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर से काउंट करना है जितने एसेट न्यू असेट होंगे राइट right, इनको फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन काउंट करना है इनको क्या करना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन काउंट करना है ठीक है बहुत बढ़िया आ जाओ राइट डाउन एप्रिसिएशन केस ऑफ अमलगमेशन गमेशन बिजनेस रिऑर्गेनाइजेशन Depreciation in case of amalgamation, demerger, business reorganization. A. Calculate the depreciation as if no amalgamation has taken place. Divide total depreciation on the basis of number of days as it is used. Divide the total depreciation on the basis of number of days as it is used. ने? चलिए मैं चाहता हूँ आप अब क्वेश्चन भी ओपन करें क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे जल्दी से क्वेश्चन ओपन कर दीजिए यस सर अब अगर मैं पलट करके आपका क्वेश्चन बैंक देखूंगा मेरे हिसाब से लास्ट ईयर तक के तो हमने इसके अंदर में क्वेश्चन रखा था इस ईयर आई डाउट कि मैंने इसमें फाइनल के क्वेश्चन में रखा है उसको मैंने मेरे हिसाब से निकाल दिया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार फ्रीक्वेंटली पूछता नहीं था पहले दस के अंदर में होगा तो ठीक है नहीं तो ऊपर मॉड्यूल से निकाल के सॉल्व कर लेंगे नहीं है ओके तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आपका नया मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ मेरे पास शायद ओपन भी होगा यस मैं नया मॉड्यूल आपका ओपन कर रहा हूं ये आईसीए का दिया हुआ नया मॉड्यूल है और ये आईसीए के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं राइट ताकि हर तरह के कंसेप्ट के ऊपर आपका एक क्वेश्चन हो जाए तो आईसीए फाइनल का जो नया डायरेक्ट टैक्स का मॉड्यूल है उसके पी का एक क्वेश्चन हम आपको क्या कर रहे हैं उठा करके सॉल्व कर रहे हैं ठीक है ताकि ये हो जाए अच्छा मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने क्यों ये किया है ये क्यों ये क्वेश्चन ले रहा हूं क्योंकि इस बार जो ईयर है ना वो फरवरी में ट्वेंटी नाइन डेज का आ रहा है तो इस तरीके के एक हाथ प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी बन भी सकती है यस बट सेफर साइड में ऑलमोस्ट हर तरह के कंसेप्ट एक एक प्रॉब्लम को तो टच कर ही रहा हूं तो चलो इसको भी टच करते हैं राइट right? इसको हम एक्चुअली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे यस yes? चलो चेक करो

you are required to compute depreciation which is allowable to sai limited and shirdi limited assuming that the asset were transferred to shirdi limited at 60 lakh rupees also assume that plant and machinery were purchased by account pay check theek hai sir samajh mein aa gaya आओ चेक करो देन है सर अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर में as such अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के अंदर में की अगर मैं बात करूँ ना तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आपको एक बहुत क्लियर कट पॉइंट समझ में आ जाएगा कि भैया अमल गमेशन हो रहा है अब अगर अमल गमेशन क्या है हो रहा है तो जाहिर सी बात है टैक्सीबिलिटी भी आएगी स्टेप वन कैलकुलेट करते हैं इफ नो अमल गमेशन एज टेकन प्लेस यस तो हम यहाँ पे बाकायदा हमारे रजिस्टर के अंदर में भी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री आईसीएआई मॉड्यूल स्टेप नंबर वन कैलकुलेशन ऑफ एप्रीसीएशन पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस बराबर है ना पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस चेक करो बराबर चलो मी आपके सामने इस क्वेश्चन को वापस ला रहा हूं Opening WDV was 40 ,00 ,00, और न्यू अट एक्वायर किया था that in November, that in November. November में उन्होंने क्या किया था न्यू असेट एक्वायर किया था ठीक है तो बाजू ये भी 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 आ भाई भाई तू भी जा, तू भी जा, भाई तू जा 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 ये आ गया बेटा फोर्टी लैक्स एड बिंदा देखो अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है ना कोई भी बुक भारत के उठाने से मत डरना चाहे मोड्यूल हो कोई भी बुक हो कंसेप्ट अगर क्लियर है तो फिर मान के चलो कि भैया तुम्हारा प्रिय टेंशन नहीं, नहीं लेने का इसके बाद में आप क्या करो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट उठाओ कितना नया असेट उठाया फोर्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड का नया असेट उठाया कोई सेल डिस्कार डिमोलिश ड्यूरिंग द ईयर की हरकतें नहीं है तो आपका आ गया बेटा क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी फिफ्टी फोर फोर्टी थाउजेंड बराबर है ना फिफ्टी फोर लैख फोर्टी थाउजेंड तुम्हारा क्या आ गया न्यू आ गया डब्ल्यू बराबर है आ जाओ अब इधर ध्यान से सुनना एक नवंबर को असेट्स को क्या किया है एक्वायर किया है फर्स्ट ऑफ नवंबर को असेट्स क्या किया है बेटा एक्वायर किया है मतलब असेट लेस देन वन एटी डेज यूज्ड हो गया सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या निकालेंगे नॉर्मल डेप्रीसिएशन निकालेंगे सबसे पहले हम इस असेट के ऊपर क्या निकालेंगे नॉर्मल डेप्रीसिएशन फोर्टी लाख पे फिफ्टीन ये आया सिक्स लाख रुपीज़ 14.40 लाख पे 7.5 परसेंट, बिकॉज़ असेट इज किया फॉर लेस देन 180 डेज़। ये आ गया 1 लाख 8000 रुपीस, टोटल बन गया 7 लाख 8000 रुपीस। इधर क्लोजिंग डब्लूडीवी लाके खत्म कर दो इसको। बराबर है, चेक कर लो। बराबर है, चेक कर लो। आप भी बेटा पानी पी पीते रहना बीच में अब मुझे क्या करना है पहले ये चेक करना है कहीं एससी मैन्युफैक्चरिंग में नहीं तो अगर अससी मैन्युफैक्चरिंग में होगा तो मुझे एडिशनल डिप्रिसिएशन भी कंप्यूट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को अगर मैं ऊपर से नीचे तक देखू कहीं भी नहीं लिखा है दैट साई लिमिटेड और शिरडी लिमिटेड इज एंग टू मैन्युफैक्चरिंग बराबर है तो मेरे को एडिशनल डिप्रिसिएशन निकालने का को कहीं कोई गरज नहीं है आ जाओ अब मैं आता हूं डिविजन ऑफ नंबर ऑफ डेज एसेट इज यूज नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं सबसे पहले साई लिमिटेड का कर लेते हैं साई लिमिटेड ने एसेट को कितने दिन यूज़ किया डोंट यू थिंक सो हमें यहाँ पे दो एसेट डिवाइड करने पड़ेंगे एक हो गए ओल्ड एसेट्स और एक जो उसने न्यूली क्या किए है? हैं एक्वायर किए बराबर है जो ओल्ड एसेट था वो एक चार दो हजार तेईस से यूज हो रहा है थर्टी फर्स्ट डिसम्बर दो हजार तेईस तक के क्योंकि एक एक से तो नया कंपनी चालू हो गया था बराबर है कि नहीं एक, एक से तो नया कंपनी चालू हो गया होगा ये जो नया नयाट एक्वायर किया ये एक ग्यारह दो हजार तेईस से लेकर के थर्टी फर्स्ट ट्वेल्व टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तक के यूज हुआ बराबर है ये हुआ साई लिमिटेड का वॉट अबाउट सर शिरडी लिमिटेड शिरडी लिमिटेड के दो कंसेप्ट थे एक उन्होंने जो ओल्ड एसेट्स अमलगमेशन में एक्वायर किए और जो न्यू एसेट्स उन्होंने अमलगमेशन के अंदर में एक्वायर किए एक एक से 2024 से यूज किया टिल 31 मार्च 2024 बराबर है ना ये भी सेम पीरियड के लिए ही यूज किया अब नंबर ऑफ डेज एक बार कैलकुलेट कर लो जरा कितने होते हैं चेक करके देखो क्या नंबर ऑफ डेज आपके टू फाइव आ रहे हैं चेक कर लेना आपके 275 आ रहे हैं, चेक कर लेना टू सेवन बाई थ्री सिक्सटी सिक्स सर थ्री सिक्सटी सिक्स क्यों क्यों सर थ्री सिक्सटी सिक्स अरे थ्री सिक्सटी सिक्स आएगा ना भैया फेब्रवरी में इस बार नाइन है तो वो क्या बन जाता है लीप ईयर, रेसिडेंशियल स्टेटस और ये कैलकुलेट करते वक्त ध्यान रखना फरवरी में ट्वेंटी एट नहीं फरवरी में ट्वेंटी आउट ऑफ थ्री सिक्स डेज टू सेवेंटी सेवन हैज एंजॉयड साई लिमिटेड सो 91 वन डे आउट ऑफ थ्री सिक्सटी सिक्स विल बी एंजॉयड बाय शिर्डी करेक्ट और नॉट फिर वन फिफ्टी टू सर वन फिफ्टी टू क्यू काउंट कर लीजिए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च चेक करो आप इनको थ्री सिक्सटी फाइव से थोड़ी डिवाइड करोगे वो तो असेट थे ही नहीं ना असेट तो एक्वायर किए नवंबर से तो नंबर ऑफ डेज जब से आपने एक्वायर किया नंबर ऑफ डेज वहां से काउंट होंगे न्यू असेट अगर एक्वायर किया तो नंबर ऑफ डेज कहां से काउंट होंगे जिस दिन से एसेट एक्वायर किया वहां से बराबर तो नवंबर के 30 दिसंबर के 31 जनवरी के 31 फरवरी के 29 एंड मार्च के 31 दैट विल बी 152 यहाँ पे 91 तो कॉमन ही रहने वाला है करेक्ट है कि नहीं है तो ये हमने कहाँ से पकड़ा ये हमने पकड़ा नवंबर से लेकर के मार्च तक के मार्च 24 तक करेक्ट चेक कर लो एक बार यहां कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं यहां कहीं कोई किसी को दिक्कत है तो बताओ नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं बराबर एक सॉर्टेड है अब आपको क्या करना है डिविजन ऑफ डेप्रीसिएशन डिविजन ऑफ डेप्रीसी सबसे पहले अगर मैं बात करूं साई लिमिटेड की सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी बेटा साई लिमिटेड की तो साई लिमिटेड के दो एसेट्स थे एक एसेट जो वो पहले से होल्ड कर रहे थे न्यू एसेट अब जो ओल्ड एसेट था इस पर डेप्रीसिएशन आया था सिक्स लाख रुपीज कहाँ से आया ये ये देखो सिक्स लाख रुपीस बराबर है ये सिक्स लाख को मुझे अपोर्शन करना है नंबर ऑफ डेज असेट इज यूज्ड ये वन लाख एट थाउजेंड को मुझे अपोर्शन करना है नंबर ऑफ डेज असेट इज यूज्ड के ऊपर चेक कर लो सेम चीज देख लो मॉड्यूल के अंदर में भी कवर्ड है सेम चीज आप देख सकते हो मॉड्यूल के अंदर में भी कवर्ड है बात समझ में आ रहा है सभी को आपका आंसर आईसीएआई आंसर मैच विषय खत्म ंग दैट वुड कम टू फोर फाइव जीरो एट टू जीरो चेक कर लो फिर भी एक बार ह्यूमन सर गलती हो सकती है फिर वन लैक एट थाउजेंड इंटू सिक्सटी वन डिवाइडेड बाई

शिरडी लिमिटेड को कितना मिलना चाहिए सर शिरडी लिमिटेड को भी मिलना चाहिए ब्रो ओल्ड एसेट्स पे भी अलग और न्यू एसेट्स पे भी अलग यहाँ पे सिक्स लैख इंटू नाइन्टी वन बाय थ्री सिक्सटी सिक्स और यहाँ पे आएगा वन लैख एट थाउजेंड इंटू नाइन्टी वन बाय वन फिफ्टी टू चेक कर लो इनको डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए टू वन थ्री एट थ्री एट देखो आपका मॉड्यूल भी इनको इतना ही देता है क्या टू वन थ्री एट थ्री एट विषय खत्म शिरडी लिमिटेड को इतना डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए यहाँ आके आपका प्रॉब्लम खत्म होगा तो क्या सीखा हम लोगों ने हम लोगों ने सीखा कि अगर अमल गमेशन डी होता है राइट ये कॉमन प्रॉब्लम है टैक्सेशन ऑफ अमल गमेशन का भी और पीजीबीपी का भी मैंने देखा भैया मॉड्यूल के यू नो रेगुलर के अंदर में हमने ये सॉल्व किया है। जो बच्चा रेगुलर का है और अगर आप मेरा फास्ट ट्रैक देख रहे होंगे रेगुलर में हमने ये सॉल्व किया हुआ है और इसके अलावा तीन और प्रॉब्लम इसी कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व किए हुए हैं ये सोनो रेगुलर के अंदर में हम लोगों ने ये किया है पर मान लीजिए आप फास्ट ट्रैक में भी है तो कंटेंट वाइज और प्रॉब्लम वाइज आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे बुक में चेक करूंगा वहां नहीं होगा क्वेश्चन में चेक करूंगा वहां नहीं होगा मॉड्यूल खोल के रख दूंगा आपके सामने पर कंटेंट आपको जरूर करवा के रहूंगा एक दो लेक्चर ज्यादा फर्क जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कंटेंट ऑलमोस्ट हर कुछ कवर होना चाहिए यह मेरा आपके साथ वादा रहेगा यह मेरी कोशिश आपके साथ रहेगी तो जाकर के मजा आएगा यह क्लियर है बराबर चलो ट वॉज डेप्रीसिएशन अब तक हमने डेप्रिसिएशन में क्या देखा ब्लॉक ऑफ असैट देखा डब्लू डीवी देखा रेट ऑफ डेप्रीसिएशन देखा, actual cost देखा, additional depreciation देखा फिर इन केस ऑफ अमल गमीशन देखा सिर्फ डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन के अच्छे कंसेप्ट फिर हर एक कंसेप्ट के ऊपर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम ले लिया डेप्रीसिएशन एडिशनल डेप्रीसिएशन डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमल गमीशन इन सबके ऊपर हमने क्या कर लिया एक एक प्रॉब्लम ले लिया बराबर न अब आते आगे अब आते हैं आगे

अब जब भी ये असेट आप लेंगे लेंगे ये जो असेट सेल करते हैं ना मतलब जिन पे SLM पे एसएलएम बेसिस क्लेम हुआ है ये एल एसेट सेल होते हैं इनके भी टैक्स ट्रीटमेंट अलग है जो नीचे दिए होते हैं और यहीं से दो कंसेप्टराइज होते हैं टर्मिनल डेप्रिसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज यहीं से दो कंसेप्टराइज होते हैं टर्मिनल डेप्रीसिएशन एंड बैलेंसिंग चार्ज आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं सबसे पहले राइट बिजनेस ऑफ जनरेशन और जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैन क्लेम दिशन ऑन एस एल एम बेसिस वर्ड क्या लिखा है मोस्टली right? वो क्या करेंगे सच एन ऑप्शन फाइलिंग आर ओ आई फॉर द फर्स्ट इयर इन विच इट स्टार्ट जनरेशन पहले ही साल यह डिसाइड करना होता है हर साल आप ये चेंज नहीं कर सकते है. खुद such, such होकर आपने सिलेक्ट नहीं किया तो आपको बाई डिफॉल्ट में एस एल एम बेसिस मिल जाता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से ठीक है असट अगर एक सौ अस्सी दिन से कम यूज किया होगा तो आपको फिफ्टी परसेंट एप्रिसिएशन ही मिलेगा आपको फिफ्टी परसेंट एप्रीसिएशन ही मिलेगा अब एसेट जब सेल होता है तो क्या होता है सर ध्यान से सुनिए मान लीजिए कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है इन्होंने कोई असेट, इन्होंने कोई कोई एसेट एसेट क्या किया सेल किया अब सेल करने पे आउटकम तो दो ही है या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा चलिए पहले लॉस की बात कर लेते हैं मान लीजिए कोई पावर जनरेटिंग यूनिट है जिनने अपना डेप्रिसिएशन एस एल एम बेसिस पे क्लेम किया था और यह उस एसेट को लॉस में सेल करते हैं यह उस एसेट को क्या में सेल करते हैं लॉस में सेल करते हैं मतलब लेस देन डब्ल्यू डी वी पे अगर ये क्या करते हैं सेल करते हैं तो जो लॉस है ना जितना लॉस आया है इस लॉस को क्या कहा जाता है टर्मिनल डिप्रीसिएशन ये जो लॉस है इस लॉस को क्या कहा जाता है टर्मिनल डिप्रीसिएशन तो चेक कीजिएगा इफ द डेप्रीसिएशन इज चार्ज ऑन डब्लू डीवी बेसिस द ट्रीटमेंट विल बी एज पर सेक्शन फिफ्टी द ट्रीटमेंट विल बी एज पर सेक्शन फिफ्टी अपॉन सेल तो अगर असेट आप डब्ल्यू बेसिस पे क्लेम करते हैं डेप्रिसिएशन तो जब ये असेट सेल होता है तो इसका ट्रीटमेंट सेक्शन 50 के अंदर में कवर होता है लेकिन इफ चार्ज ऑन बेसिस एंड इफ द सेल इज अ लॉस इफ अपॉन सेल देर इज अ लॉस अराइज इस लॉस को नया नाम मिल जाता है टर्मिनल डेप्रीसिएशन इस लॉस को क्या मिल जाता है सर नया नाम मिल जाता है टर्मिनल डेप्रीसिएशन ओपनिंग डब्ल्यू डी माइनस मनी रिसीव स्क्रैप वैल्यू जितना होगा ये 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 सब क्या क्या माना जाएगा अब ये है ये जो लौस है जो को ही आप क्या कह, रहे? Terminal depreciation कह रहे हैं क्लेम्ड इन ऑफ सेल और जितना टर्मिनल डेप्रीसिएशन पूरा का पूरा है अलाउड एज डिडक्शन मतलब अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिटेड है आपको कुछ नहीं करना है

अमाउंट को वापस से pgbbp बोल के टैक्स किया जाता है उतने अमाउंट को वापस से pgbbp बोल के टैक्स किया जाता है as per section 41 subsection 2 तो अगर कोई एसेट है एसएलएम बेसिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया है उसके ऊपर ये एसेट क्या कर देते हैं आप लोग सेल कर देते हैं एट प्रॉफिट तो जितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन आज तक के सालों में क्लेम किया गया हो उस एसेट के ऊपर वो पूरा वापस pgbbp बोल के टैक्सेबल हो जाएगा वो वापस पूरा का पूरा पीजीबीपी बोल के टैक्सेबल हो जाएगा और इसे एक नया नाम मिलता है बैलेंसिंग चार्ज इसे एक नया नाम मिलता है बैलेंसिंग चार्ज उसके ऊपर का कोई बैलेंस सरप्लस होगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर होगा ऑफ कैपिटल गेन डिपेंडिंग अपॉन पोहा सर पोहा पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट्स इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं पोहा जो हम कैपिटल गेन में पढ़ के आ गए

इतना आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो डेप्रिसिएशन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट रेफर नोट्स एप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट रेफर नोट्स मालिक चलो अब आते नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर डेप्रीसिएशन से रिलेटेड ही नेक्स्ट कंटेंट बनता है आपका डेप्रीसिएशन बींग

यस yes, क्योंकि आपको याद होगा अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन जो है सॉरी एडिशनल एप्रीसिएशन जो है वो हंड्रेड एंड फिफ्टी बी एसी बी एडी सीरीज के अंदर में नहीं मिलता तो मान लो आपका कोई अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन है उसमें एडिशनल डेप्रीसिएशन भी है तो उतना एडिशनल डेप्रीसिएशन आप क्या नहीं कर पाएंगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे बचावा जो नॉर्मल अनएब्सॉर्ब एप्रीसिएशन है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर लोगे जितना एडिशनल एप्रिसिएशन से रिलेटेड है वो आप क्या नहीं कर पाओगे सेट ऑफ नहीं कर पाओगे ये यसोनो नेक्स्ट पॉइंट सो करंट ईयर डेप्रीसिएशन का क्या होगा करंट ईयर डेप्रीसिएशन सबसे पहले प्रॉफिट के अगेंस्ट में होगा बैलेंस इफ एनी दूसरे हेड के साथ एडजस्ट कर दिया जाएगा अनएब्सॉर्व एप्रिसिएशन कैन बी कैरियड फॉरवर्ड फॉर एनी नंबर ऑफ इयर्स अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड लॉटरी विनिंग्स क्योंकि सैलरी और लॉटरी विनिंग से ये सेट ऑफ नहीं होता है अनएब्सॉर्व एप्रिसिएशन कैन बी कैरियड फॉरवर्ड इवन इफ नो रिटर्न हैज बीन फाइंड यस yes, सबसे पहले क्या सेट ऑफ करेंगे करंट ईयर डेप्रीसिएशन फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और फिर ही क्या एडजस्ट करेंगे अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिए एंडियन अलाउंस फ्रॉम एन अर्लियर असेसमेंट इट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल एडिशनलिएट बीन अलाउड टू बी सेट ऑफ

Unabsorbed depreciation can be set off against any head except salary and casual income. Unabsorbed depreciation. Can be carried forward for any number of years. Unabsorbed depreciation can be carried forward even when ROI not filed on time or ROI. Is not filed if unabsorbed depreciation also include additional depreciation. and SSE opts for 115 bac bad baa bab bae then so much of unabsorbed depreciation showing Additional depreciation shall not be carried forward. Order of set of Point number A, current year depreciation. Point number B, brought forward loss. Point number C, unabsorbed depreciation. चेक कर लो सर चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं सेक्शन फिफ्टी विच टॉक्स अबाउट द नेचर ऑफ कैपिटल गेन व्हेन यू सेल अ डेप्रिसिएबल असेट ट दिन कैपिटल गेन याद करो जब हमने कैपिटल गेन पढ़ा था कैपिटल गेन में हमने पढ़ा थाबल के ऊपर इंडेक्सेशन का ऊपर इंडेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता तो जो नेचर ऑफ गेन है वो हमेशा क्या माना जाएगा शॉर्ट टर्म माना जाएगा जो नेचर ऑफ गेन है यह हमेशा क्या माना जाएगा शॉर्ट टर्म माना जाएगा गेन विल ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल वैल्यू माइनस डब्ल्यू डीवी गेम ओवर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अब दूसरा सवाल आता है सर मान लो हमने बेचा नहीं है ये असेट क्या हो चुका है सर चोरी हो चुका है और कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिला अगर कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिला एंड देर इज नो अदर असेट इन द ब्लॉक यही एक असेट था उस ब्लॉक के अंदर में कोई अदर असेट नहीं है तो ब्लॉक का वैल्यू क्या हो जाएगा निल सेक्शन 50 शेल नॉट बी अट्रैक्टेड और जो लॉस है ये प्योर डेड लॉस हो जाएगा सर अगर प्योर डेड लॉस हो गया तो क्या होगा प्योर डेड लॉस हो गया तो नो सेट ऑफ इज अवेलेबल अगर ये प्योर डेड लॉस हो जाता है तो इसके खिलाफ कोई सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है इसके खिलाफ कोई सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है मान लो अगर असेट चोरी हो गया और ब्लॉक के अंदर में अदर असेट भी है तो इसमें से कुछ भी माइनस नहीं किया जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनसेशन तो रिसीव ही नहीं हुआ तो ब्लॉक में से कोई भी अमाउंट को क्या नहीं किया जाएगा माइनस नहीं किया जाएगा एंड वो लॉस डब्ल्यूडीवी में ही पड़ा रहेगा और डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हर साल आपको मिलता रहेगा तो नो टैक्स सेपरेट टैक्स ट्रीटमेंट विल बी रिक्वायर्ड द लॉस विल बी कंटेन इन डब्ल्यू ओनली एंड डेप्रीसिएशन विल बी अलाउड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यस तो वन टू थ्री स्टार्ट अगर असेट सेल हुआ सेल हुआ नेचर ऑफ गेन हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा क्योंकि का नहीं मिलता। का नहीं मिलता। क्यों, उसके पीछे का क्या लॉजिक चोरी हो गया देर इज नो अदर अट इन ब्लॉक नो इंश्योरेंस कंपनसेशन इज रिसीव्ड अगर कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन ही नहीं मिल रहा तो प्योर डेड लॉस हो जाएगा और डेड लॉस हो गया तो कोई सेट ऑफ इसके अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है अगर मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनसेशन नहीं मिलता और ब्लॉक में अदर एसेट्स भी है तो फिर सिंपल है ये जो लॉस है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला ये ब्लॉक में ही पड़ा रहेगा और डिप्रीसिएशन के फॉर्म में आपको क्या होता रहेगा मिलता रहेगा क्लियर है मालिक राइट सीआईटी वर्सेस राजीव शुक्ला का एक केस है अभी सीआईटी वर्सेज राजीव शुक्ला का केस क्या है मैं पहले आपको बता दू राइट right? अब जरा ध्यान से सुनिएगा हम हम किसी भी एसेट्स को, हम किसी भी भी एसेट्स एसेट्स को को अगर होल्ड करते हैं फॉर मोर देन तो उसका नेचर क्या हो जाता है उसका नेचर हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल बराबर है कि नहीं अगर एसेट को हमने थर्टी सिक्स मंथ से ज्यादा होल्ड किया तो उसका नेचर क्या हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाता है लेकिन अगर हमने डेप्रिसिएबल एसेट्स को सेल किया तो उसका नेचर क्या बनता है उसका नेचर ऑफ गेन क्या बनता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है बराबर है कि नहीं अब एक सवाल उठा सपोज करो मेरे पास कोई बिल्डिंग था जिस पर मैंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया था बराबर है इसको मैंने मोर देन थर्टी सिक्स मंथ होल्ड किया अब बात समझना नेचर ऑफ अट लॉन्ग टर्म है लेकिन सेक्शन फिफ्टी के डीमिंग फिक्शन के कारण मेरा नेचर ऑफ गेन क्या आ रहा है शॉर्ट टर्म नेचर ऑफ असेट लॉन्ग टर्म है पर सेक्शन 50 के डीमिंग फिक्शन के कारण मेरा नेचर ऑफ गेन क्या बन रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अब अगर मान लो मैं बिल्डिंग बेच करके बिल्डिंग में इन्वेस्ट करता हूं तो सेक्शन 54 का एग्जामेशन मिलता है कोई और बेच करके, मैं अगर घर हूं, तो, 54 तो यहां पे नेचर ऑफ असेट जो है ये लॉन्ग टर्म बोला है अब मेरा नेचर ऑफ तो लॉन्ग टर्म है सेक्शन फिफ्टी के डीमिंग फिक्शन नेचर ऑफ गेन शॉर्ट टर्म है असेट का नेचर लॉन्ग टर्म है गेन का नेचर शॉर्ट टर्म है

Section fifty Sale of Depreciable Assets When depreciable assets are sold, gain will always be of short in nature in will always be short in nature देन इतना ही लिख लो काफ़ी है चलो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने कौन कौन से सेक्शन पढ़े हैं सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा टू थर्टीन किसके बारे में था बिजनेस फिर पढ़ा टू थर्टी सिक्स किसके बारे में था प्रोफेशन फिर पढ़ा सेक्शन ट्वेंटी एट दैट इज चार्जिंग सेक्शन फिर पढ़ा सेक्शन थर्टी एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग याद आ रहा है तुम्हारे को फिर पढ़ा सेक्शन थर्टी वन एक्सपेंसिस ऑन एंड मशीनरी एंड फर्नीचर याद आ रहा है क्या मालिक याद करके देखो फिर पढ़ा सेक्शन थर्टी टू दैट इज डेप्रीसीन डेप्रीसीन पढ़ते वक्त हमने टू इलेवन पढ़ा दैट इज ब्लॉक ऑफ अ फिर हमने फोर्टी थ्री सिक्स पढ़ा दैट इज डब्ल्यू डी वी फोर्टी थ्री थ्री पढ़ा प्लांट एंड मशीनरी फोर्टी थ्री वन पढ़ा दैट इज एक्चुअल कॉस्ट याद आ रहा है सभी लोगों को राइट right? फिर हम लोगों ने नेक्स्ट सेक्शन पढ़ा आपका सेक्शन थर्टी टू वन टू ए दैट इज एडिशनल डिप्रीसीशन फिर हमने पढ़ा थर्टी टू वन टू दैट इज डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट फिर हमने पढ़ा सेक्शन दैट इज डेप्रीसिएशन इन केस ऑफ यू नो दिल बी शॉर्ट टर्म वेन डेप्रीसीबल्ड चेक करो इतने सेक्शन अभी तक हमने पढ़े फिर हमने पढ़ा सेक्शन थर्टी सेवन वन दैट इज जनरल डिडक्शन फिर हमने पढ़ा सेक्शन थर्टी एट पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल एक्सपेंडिचर फिर हमने पढ़ा फोर्टी टू पेमेंट टू रिलेटिव याद आ रहेगा मालिक फिर हमने पढ़ा फोर्टी थ्री पेमेंट करंट ईयर में दस हज़ार से ऊपर किया डिसअलाउड थ्री ए सब्सिक्वेंट ईयर में भी आपने पेमेंट किया अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक ड्राफ्ट और ई सी एस ये भी हम डिसअलाउ कर देंगे कोई अग्रीमेंट बना करके आपने यू नो कैश देने की कोशिश करी तो भी हम डिसअलाउ कर देंगे फिर हमने पढ़ा

ये पीजीबीपी के कंटिन्यू किए हैं और साथ साथ में हम लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करे जा रहे हैं एक बार नोट्स आकर के देख लीजिएगा राइट यानी अब तक हमने पी के अंदर में पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस लगभग पच्चीस सेक्शन पी के खत्म करने आ रहे हैं ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा घर पे अगर बैठते और ईमानदारी से पढ़ने बैठते क्या सच में इतने कम टाइम में इतना सारा कंटेंट करना पॉसिबल होता क्या वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने सारे दोस्त टेलीग्राम चैनल और लाइब्रेरी तक के पहुंचाइए हमारे इस इनिशिएटिव को ताकि हर बच्चा पढ़ सके चलो अब एक बार नोट्स देख लेना मालिक एक बार आपका नोट्स देख लेना शुरुआत से पेज वन वी हैव 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 डन 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 पेज 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 वी 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 राइट भी हमारा खत्म हो गया सेवन भी हमारा खत्म हो गया तो थर्टी टू की जो सीरीज है हमारी थर्टी टू की जो सीरीज है हमारी डेप्रीसी की वो यहाँ आके क्या होती है ओवर होती है अब मैं आता हूँ कुछ आगे के और सेक्शन करने के लिए मैं आता हूँ आगे के कुछ और सेक्शन करने के लिए प्लीज चेक सबसे पहले दो सेक्शन हम लोग कर देते हैं थर्टी फाइव सी 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 थर्टी फाइव सी सी डी बराबर है सबसे पहले आ जाओ थर्टी फाइव सी 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 कर लेते हैं पेज नंबर आई गेस नाइन पे दिख रहा होगा चेक कर लेना सेक्शन थर्टी फाइव सीसी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अब मान लीजिए कोई भी असेसी, एनी एस अगर खर्चा करता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के ऊपर अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो है ये ना आपके मॉड्यूल में डिफाइंड है ना सी एस सी एम है कहीं पर भी आपके मॉड्यूल में डिफाइंड नहीं है पर हाँ इनकम टैक्स रूल्स के अंदर में जरूर डिफाइंड है वॉट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट यस और नो राइट सो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एज मे बी नोटिफाइड बाई द बोर्ड बोर्ड ने जो नोटिफाई किया है अगर कोई भी खर्चा करता है हंड्रेड परसेंट अलाउड एज डिडक्शन अलाउड एज डिडक्शन याद रखें यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग पे किया गया खर्चे का कोई डिडक्शन मिलने वाला नहीं है फर्दर एक और पॉइंट याद रखना होगा थर्टी फाइव सी 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 अगर आप डिफॉल्ट टैक्स लेते हैं हंड्रेड एंड सी बी ए तो इसके अंदर में थर्टी फाइव सी 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 का डिडक्शन मिलता नहीं क्या आपको याद है थर्टी फाइव सी 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 का डिडक्शन नहीं मिलने वाला यस yes, क्या आपको याद है राइट right? चलो चेक करना एनी एस एस सी इनकमिंग एनी एक्सपेंडिचर एज मे बी नोटिफाइड बाय द बोर्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट हंड्रेड परसेंट डिडक्शन अलॉडक्शन अलॉड मतलब ये expenses अगर पी एन एल में है तो आपको क्या करने की जरूरत नहीं है कुछ करने की जरूरत नहीं है बट दिस सेक्शन इज नॉट अवेलेबल इफ ऑप्टेड फॉर द डिफॉल्ट टैक्स स्कीम याद आ रहा है सभी को राइट चलो

एक्सेप्ट एक्सपेंसिस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्दर यह सेक्शन का भी डिडक्शन नहीं मिलता अगर आप हंड्रेड एंड फिफ्टी बी ए बी ए बी ऑप्ट कर लेते हो क्योंकि बी ए ए बी ए बी राइट तो थर्टी फाइव सी 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 थर्टी फाइव सी सी डी आ जाओ साथ साथ में भाई भाई सेक्शन बनाओ सेक्शन थर्टी फाइव सी 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 सेक्शन थर्टी फाइव सी सी डी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एनी एस एस सी कंपनीज इनकर एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट डिडक्शन इज इक्वल टू हंड्रेड परसेंट नॉट अवेलेबल फ्रॉम हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए ए हंड्रेड एंड फिफ्टीन बी ए बी यहाँ पे नॉट अवेलेबल फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स स्कीम लो जी सर ए जी बी पी के फर्दर दो सेक्शन यहां पर चलो तो ये थे थर्टी फाइव सी 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 थर्टी फाइव सी सी डी आओ आगे नेक्स्ट एक और सेक्शन करते हैं थर्टी फाइव सी सी ए ये सी सी ए की सीरीज का भी एक और छोटा सा सेक्शन है अब ध्यान से समझना ये तो सी 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 डी सी सी ए है ये एग्जाम के अंदर में इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते ये बहुत छोटे से सेक्शन है फटाफट पढ़ के आप क्या कर सकते हो इसको कंप्लीट कर सकते हो अब जरा ध्यान से सुनिएगा थर्टी फाइव सी 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 राइट

ये हंड्रेड परसेंट का क्या मिल जाएगा सर डिडक्शन मिल जाएगा अब यहाँ पे ना एक ट्विस्ट है ये ट्विस्ट मैं आपको पहले रजिस्टर में लिखाता हूं सेक्शन थर्टी फाइव सी सी एक्सपेंसेज डोनेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट एनी एस एस सी इनकर एक्सपेंडिचर पब्लिक डोनेशन टू नेशनल अर्बन पावर्टी इरेडिकेशन फंड और नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट डिडक्शन इक्वल टू हंड्रेड परसेंट अब यही चीज हम लोगों ने देखी थी अब मेन पॉइंट क्या है इफ असेसी हैज पीजीबीपी इनकम क्लेम अंडर सेक्शन थर्टी फाइव सीसीए नो पीजीबीपी इनकम मान लो सेम खर्चा किया पर पीजीबीपी इनकम नहीं है क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन एटी जी जी ए तो अगर पीजीबीपी इनकम है तो आप थर्टी फाइव सीसीए के अंदर में डिडक्शन क्लेम कीजिए पर अगर पीजीबीपी इनकम नहीं है तो आप एटी जीजीए के अंदर में डिडक्शन क्लेम कीजिए फॉर द सेम एक्सपेंडिचर सेम एक्सपेंडिचर yes, बहुत बढ़िया बेटा तो अगर आपका पीजीपी पिन कम है तो ही आप थर्टी फाइव सीसी क्लेम कर पाएंगे नहीं तो आप सीधा एटी जी जी ए के तरफ बढ़ जाएंगे क्लियर है लो जी। तो एक और एक सेक्शन ओवर हो गया अब ये जो लास्ट तीन सेक्शन हम लोगों ने पढ़े ये एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा नहीं आते तो आप इसको चिल कर सकते हो थोड़ा सा मतलब इसको आप थोड़ा हल्के में ले सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर चलते हैं फोर्टी थ्री डबल ए आप देख सकते हैं मैं बहुत मतलब सीधा कोई नंबर्स के थ्रू नहीं जा रहा हूं जहां जिसकी जरूरत है अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट है आज, आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा किया एक दिन में बहुत ज्यादा हैंग नहीं होना चाहिए आप देखेंगे एक दिन में अगर बहुत ज्यादा हैंग कर लिया बच्चा पढ़ेगा नहीं इसीलिए उसको जहां जहां जरूरत है कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नॉन इंपॉर्टेंट सेक्शन लेंगे तो जाकर के पीजीवी पी में इंटरेस्ट बना रहेगा अब एक और नॉन इंपॉर्टेंट सेक्शन फोर्टी थ्री डबल बढ़ जाते हैं फोर्टी थ्री डबल एक्सचेंज फ्लक्चुएशन जो होते हैं अब जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन होते हैं इसमें गेन हुआ टैक्सेबल इन पीजीबीपी लॉस हुआ अलाउड एज डिडक्शन गेम ओवर एनी गेन और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन फॉरन एक्सचेंज शेल बी ट्रीटेड एज इनकम और लॉस अब ये फॉरन एक्सचेंज गेन या लॉस कैसे कंप्यूट किया जाएगा एज पर आईसीडीएस फॉरन एक्सचेंज गेन या लॉस कैसे कंप्यूट किया जाएगा एज पर आईसीडीएस अब आपके मन में सवाल उठता है ये फॉरेन एक्सचेंज करेंसी ट्रांजैक्शन में कौन से ट्रांजैक्शन आते हैं ऑलमोस्ट मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट या फॉरवर्ड करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट गेन हुआ पीजीबीपी लॉस हुआ अलाउड एज डिडक्शन गेम ओवर सेक्शन ओवर लिखो यहां पे साथ साथ में एकदम शॉर्ट नोट्स बना दो पीजीपीपी के जहां जरूरत है बिल्कुल सेक्शन फोर्टी थ्री डबल ए फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में अगर लॉस आता है अलाउड एस डिडक्शन अगर प्रॉफिट आता है टैक्सेबल एस

इट फॉर द डे आज हम यही रुकेंगे आज हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज आपकी जिम्मेदारी क्या है भैया मॉड्यूल उठाना आपके रेफरेंस बुक उठाना क्वेश्चन बैंक उठाना डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अमलगमेशन मर्जर e जितने भी क्वेश्चन है सेक्शन फिफ्टी जितने भी क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन प्लीज घर पे जाकर के सॉल्व करना एक बात याद रखो सिर्फ फास्ट ट्रैक कंप्लीट कर दोगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलने वाला रिजल्ट के ऊपर एक्चुअल इंपैक्ट के लिए आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए बैठ के सॉल्व करो कॉन्टेंट तुम्हारा फास्ट ट्रैक से बहुत जल्दी हो जाएगा पर सॉल्विंग इज द की टू पेपर प्रेजेंटेशन एंड गेटिंग द मार्क्स तो अगर हमको 60 पार जाना है एग्जामिशन रैंक लाना है हम लोग को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी मेरे से जितना हो पा रहा है जरूर करवा रहा हूं जितना नहीं हो पा रहा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज घर पे करिएगा मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर में जहां पे हम और भी बहुत सारा कॉन्टेंट को देखेंगे तब तक के लिए टेक केयर